हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनलिम एप्लीकेशन का एक अपडेट वीडियो बना रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं और इसमें क्या क्या अपडेट्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए अनलिम। तो ये वो एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। ये बता रहा है कि टेलीग्राम बेस्ड क्लाउड स्टोरेज है, वो सेम है जैसे टेलीग्राम पर जो भी आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, और उसका मैकेनिज़्म और इसका मैकेनिज़्म दोनों सेम है। जो नीचे एरो है उस पर टैप कीजिए, फिर से टैप कीजिए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अब आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए आराम से, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, और फ़ोन नंबर डालने समय जो आपका कंट्री कोड है वो कंट्री कोड यहाँ पर ज़रूर मेंशन करिएगा। विदाउट कंट्री कोड आपको OTP नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट फेज़ में। जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो आपके टेलीग्राम अकाउंट पे भेजा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब टेलीग्राम पे हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम पे कुछ ऐसा आपको OTP मिलेगा। हम OTP एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अनलिम क्लाउड से अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो यहाँ से इसको अलाउ कर दीजिए। मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं डोंट अलाउ पे टैप करूँगा। और अनलिम को यहाँ पे कुछ परमिशन चाहिए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग इस पर कुछ डेटा अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको परमिशन दे देते हैं। टेक मी टू दी सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा, डिनाई मत कीजिएगा वरना आप इस पर कुछ अपलोड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से इसको अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरफेस है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक अपलोड बटन मिल जाएगा, और नीचे गैलरी है, फिर यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन है, और उसके बाद ये 3 लाइंस है जो जिसमें आपको सेटिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका फेस रिकग्निशन, ऑटो एल्बम और ऑटो मीडिया लेबलिंग, मतलब आप अपने मीडिया का जो लेबलिंग है, अगर वो फ़ोटोज़ है तो फ़ोटो की कैटेगरी में, वीडियो है तो वीडियो के कैटेगरी में, अगर इस टाइप का लेबल आप चाहते हैं तो इसको ऑन ही रहने दें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसको छेड़े नहीं आप, वरना आपको लेबलिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी और आपका सारा डेटा मिक्स हो जाएगा। अगर आप कोई नया फोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फोल्डर्स वाला जो बटन है यहाँ पर टैप कीजिए, और यहाँ से आपको जो भी फोल्डर ऐड करना है अपने फ़ोन से, वो फोल्डर यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये सारा आपका फ़ोन का डायरेक्टरी है, आपके फ़ोन के डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर्स है वो सारे यहाँ पे शो होंगे। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट सिंक करना है तो जो बटन है बगल में उस पर टॉगल कर दीजिए और ये सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद डेटा एंड स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाइए। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके पास कितना डेटा अभी अवेलेबल है, जितना आपने इसमें अपलोड किया है। तो यहाँ अवेलेबल काउंट ही दिखेगा आपको, और इस एप्लीकेशन में अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो लिमिट है वो नज़र नहीं आएगी। आपका फ़ोटोज़ कितना है, वीडियोस कितना है, फाइल्स कितना है, वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और नीचे में कैच क्लियर करने का भी ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन का ज़रूरत पड़ेगा आपको। उसके बाद सर्च ऑप्टिमाइजेशन है, इस पर हमारा कोई काम नहीं है। डेस्कटॉप वर्जन है, अगर आप डेस्कटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को तो बिल्कुल आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने गैलरी वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। और काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि ये एप्लीकेशन सेफ़ है या नहीं। एक्चुअली तो ये एप्लीकेशन सेफ़ है, और काफ़ी सारे यूज़र्स का ये भी इशू आ रहा था कि पासवर्ड वगैरह रीसेट करने में उनको दिक्कत हो रही थी, या पासवर्ड रिसीव नहीं कर रहे थे। तो जो भी OTP वगैरह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी OTP को इस पे एंटर करें और लॉगिन कर लीजिए आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर एक डेटा अपलोड करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे कैसे आप व्यू रहता है। तो अपलोड बटन पे टैप कीजिए, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2 इमेजेस ऐड किए हैं यहाँ पे अपने गैलरी से, और वो इमेजेस की क्वालिटी वगैरह सब सेफ़ है, मतलब जो क्वालिटी में होना चाहिए, क्वालिटी डिग्रेड नहीं हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डेटा है वो आपको क्लियरली ऐसे विजिबल होगा इस फॉर्मेट में।
अगर आप इसको वापस से डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे सेव का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, और अगर आपने कोई एल्बम क्रिएट करके रखा है तो उस एल्बम में आप इस गैलरी में जो भी चीज़ है, अगर फ़ोटो है, वीडियो है, फाइल्स है, उसको आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए आप, ये डिलीट हो गया। अब सिर्फ एक ही आइटम बचा है अपने गैलरी वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। ये एक अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपको और फ्यूचर में काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर आपका मेमोरी वगैरह का इशू है। तो ये था इस एप्लीकेशन का एक अपडेटेड वीडियो। मैंने इस एप्लीकेशन को एक साल पहले रिव्यू किया था और ये अभी मैंने रिव्यू किया है। तो एप्लीकेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इसी तरीके के नई वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।